कोर्वस ओएस या लिनियज ओएस दोनों ही पॉपुलर रोम है और अपने अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। दोनों ही रोम का अपना अपना स्पेसिफिक यूजर्स है। कोर्वस ओएस यूज करने वाले यूजर्स लिनियज ओएस के गेमिंग परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते और लिनियज ओएस यूज करने वाले यूजर्स कोर्वस ओएस के यूआई स्मूथनेस, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जानते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और किसके लिए कौन सा रोम परफेक्ट है। दोनों ही कस्टम रोम AOSP बेस्ड है। AOSP स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। जहां कोर्वस ओएस में GApps इंक्लूडेड होता है, वहीं लीनियज ओएस में आपको GApps सेपरेटली फ्लैश करना होता है। GApps में बहुत सारे पैकेजेस होता है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी गूगल एप्लीकेशन का पैकेज फ्लैश कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है आपको लीनियज ओएस में। लेकिन सेफ्टी नेट फेल हो जाता है आपका लीनियज ओएस में, और कोर्वस ओएस में ये बाय डिफॉल्ट पास रहता है। लेकिन दोनों ही केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम आपको यूआई एक्सपीरियंस में होगा, जो कि कोर्वस ओएस में मिलता है। कभी यूआई बहुत स्मूथ मिलेगा तो कभी इतना लैगी हो जाता है कि आप इरिटेट हो जाओगे। वहीं लिनियज ओएस का यूआई इतना स्मूथ होता है कि आप फैन हो जाओगे। कोर्वस ओएस में यूआई लैग का एक रीजन ये भी है कि यहाँ रैम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। एग्जाम्पल के लिए आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 6GB में सिर्फ 653MB ही फ्री रैम अवेलेबल है। अभी आप कहोगे बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स ओपन होंगे, तो उसके लिए आप ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखो जहां कोई भी रिसेंट ऐप ओपन नहीं है, फिर भी 783MB ही फ्री रैम अवेलेबल है। अब लिनियज ओएस में भी रैम मैनेजमेंट देख लो। चलो कुछ ऐप्स को ओपन कर देते हैं, सबको बैकग्राउंड में चलने देते हैं और फिर अवेलेबल रैम चेक करते हैं। आप यहां फ्री रैम देख सकते हो। अब सारे रिसेंट ऐप्स को क्लियर करते हैं और फिर फ्री रैम चेक करते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो। भले रैम मैनेजमेंट पुअर हो कोर्वस ओएस में, लेकिन कैमरा ऑप्टिमाइजेशन इसका लिनियज ओएस से भी बेहतर है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कस्टम रोम में कैमरा बहुत ही पुअर होता है। अगर आप सोच रहे हो गूगल कैमरा इंस्टॉल कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ कैमरा ड्राइवर का इशू है जो कि रोम के साथ ही आती है। कोर्वस ओएस में कस्टमाइजेशन आपको भर भर के मिलेगा, सारे पॉसिबल कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो लिनियज ओएस इज द बेस्ट। कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बैटरी बैकअप आपको बहुत कम मिलेगा कोर्वस ओएस में कंपेयर टू लिनियज ओएस। बात करें परफॉर्मेंस की, तो कोर्वस ओएस में नो डाउट गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको, लेकिन लिनियज ओएस में ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। कुछ फीचर्स जो लिनियज ओएस में आपको नहीं मिलता, उसमें से ही एक है फेस अनलॉक। आपको लिनियज ओएस में फेस अनलॉक नहीं मिलता। आप आइकन कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो, फॉन्ट कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो, थीम्स कलर कस्टमाइजेशन भी आप नहीं कर सकते हो लिनियज ओएस में। गेम मोड नहीं दिया गया है। रीसेंट ओपन ऐप्स को आप लॉक नहीं कर सकते हो। AOD मोड नहीं मिलता है आपको यहाँ पे। और भी बहुत कुछ जो आपको कोर्वस ओएस में मिलता है, लेकिन लिनियज ओएस में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लिनियज ओएस में आपको क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिलता है। आपको ऑडियो इफेक्ट्स इक्विलाइजर मिलता है, म्यूजिक ऐप मिलता है, कैमरा ऐप मिलता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको कोर्वस ओएस में नहीं मिलेगा। आपको अलग से प्ले स्टोर से सिमिलर ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा। कोर्वस ओएस में 2 से 3 महीने में ही एक बार सिक्योरिटी पैच या अपडेट मिलता है। वहीं लिनियज ओएस में आपको वीकली अपडेट मिलता है, तो सिक्योरिटी पर्पस में लिनियज बेटर है। बग्स लिनियज ओएस में जल्दी फिक्स होता है कंपेयर टू कोर्वस ओएस। लिनियज ओएस में अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन आपको 12 मिलेगा, वहीं कोर्वस ओएस में लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 12L मिलता है। दोनों ही रोम में डुअल ऐप्स सपोर्ट नहीं करता है। बाकी दोनों ही रोम में बैंकिंग ऐप्स, कॉल रिकॉर्डिंग, कास्ट, स्किन रिकॉर्डिंग, ये सब सपोर्ट करता है। तो ये था एक बेसिक कंपैरिजन दोनों ही रोम का। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी रोम चूज कर सकते हो। और अगर कोई कंपैरिजन का टॉपिक मैंने मिस कर दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।